भाई साहब हमने एक तरीका निकाला, आते ही सबसे पहला फैसला किया पंजाब में, एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया एंटी करप्शन मूवमेंट चला के, कि एक व्हाट्सएप नंबर है, जब आप दफ्तरों में जाओगे पंजाब में, कोई बाबू आपसे रिश्वत मांगे, किसी काम को करने की कमीशन मांगे, मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, नोट नहीं निकालना, फोन निकालना, थोड़ी सी वीडियो बना के या फोटो खींच के हमको भेज देना, उसके बाद हमारा काम है उसको जेल में डालना। 400 बंदा जेल में है अभी, 400, हर रोज 2-3 की एवरेज है भाई साहब। अब कम हो रहे हैं क्योंकि डर गए, कैसे कैसे तरीके इनके, लाजवाब तरीके लूटने के। अरविंद जी एक तहसीलदार पकड़ा हमने, उसके बारे में हमें पता चल गया वो पैसे ले रहा लेता है, हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, कोई पैसा नहीं लिया उसने, 2-3 दिन देखा कोई पैसा नहीं लिया, हमने चेक किया यार पैसे कब लेता है, कहते जी लेता है, तो हमने चेक किया यार तो लेता नहीं, फिर हमने उसके घर पे कैमरा लगाया कि शायद ये घर पे ना बुलाता हो सबको, घर पे भी कोई नहीं आया जी, बड़ा हो गया यार क्या करें यार, पैसे तो लेता है पकड़े कैसे इसको, तो हमें थोड़ा सा शक हुआ। असल में वो क्या करता था, वो जिस रजिस्ट्री के लिए उसको पैसे नहीं मिले होते थे उसकी 4 लाइनें पढ़कर ही कह देता ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती, वापस कर देता था, और कह रहा साथ में उसका आदमी खड़ा होता था वो कहता था फलां फलां वसीका नवीस के पास जाओ वो लिखता है असली रजिस्ट्री, वो वसीका नवीस के पास जाता था वो कहता था गलत लिखवा रखी है सही करनी है ठीक है नहीं तो हो नहीं सकेगी इतने पैसे लगेंगे, वो पैसे ले लेता था, और उसके बाद वो रजिस्ट्री लिखता था ना पहली 4 लाइनों में ही ये भी लिख देता था कि पैसे ले लिए, हाँ बकबा बा रकबा बा हकूम बा रकम बा वसूल, तब जाके पकड़ा भाई साहब उसको, वसीका ने भी इसको भी पकड़ा, हमें तो पता ही नहीं चलने देते कैसे कैसे तरीके निकाल रखे इन्होंने करप्शन करने के, तो राजस्थान को भी भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा दिल्ली और पंजाब की।